बड़ी खबर, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने हरे रंग को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस हरे रंग से नफरत करती है। ये बड़ा हमला आरएसएस और बीजेपी की ओर, ओवैसी का एक पब्लिक भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस को हरे रंग से नफरत है। इतना ही कहूंगा कि जो लोग आज इस मुल्क में नफरत को फैला रहे हैं, आप जाइए गुलबर्गा में, 200 किलोमीटर हैदराबाद से गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, तो वहां पर बीजेपी आरएसएस वाले एहतजाज किए कि हरा रंग मुसलमानों का, निकालो इसको। रातों रात हरा रंग को निकाल दिया गया। ये बीजेपी आरएसएस की नफरत की निशानी है कि हरा रंग नहीं होना चाहिए मुसलमानों का है। अरे मोहन भगवत, हम तो हर रंग में रंग जाने वाले हैं, रंग से हमको क्या निस्बत? नहीं, हरा रंग मुसलमानों का है। मैसूर में एक बस स्टैंड के ऊपर एक छोटा सा गुंबद लगाया गया तो मैसूर का बीजेपी का एमपी बोला ये इस्लाम की निशानी, मिटाओ, तोड़ दिए उसको, तोड़ दिया उसको। घरों को तोड़ दिया जाता है, घरों को बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर नोटिस दिए, उत्तर प्रदेश हो मध्य प्रदेश हो, घरों को तोड़कर बेघर कर दिया जाता है। दिल्ली में तोड़ा गया रमजान के महीने में। ये बीजेपी आरएसएस ये काम कर रही है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कोई बीजेपी के एमपी बोलती चाकुओं को तेज करके रखो, तो आज उत्तराखंड में एक और आरएसएस का आदमी जो पहले विश्व हिंदू परिषद का सदर था, वो कह रहा है कि मैं पूरे मुल्क में 2 करोड़, कितने, 2 या 2.5 करोड़ त्रिशूल बांटूंगा।